तो जैसे कि साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेटिंग को ओपन किया हुआ है टैबलेट में, और यहाँ पे स्टूडेंट क्योस्क में जाते हैं और इस ऐप पे क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ सिक्योरिटी पॉलिसी प्रिवेंट चेंजिंग सेटिंग का आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, ओपन नहीं होता है। तो इसे आप कैसे ओपन कर सकते हो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और आसानी से आप इसे सीख जाओगे और आप भी अपनी वीडियो प्ले कर सकते हो इसके अंदर यूट्यूब के अंदर आपकी टैबलेट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, होम पे आ जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे होम पे आ जाता हूँ। होम पे आने के बाद देख सकते हो खट्टर साहब आ चुके हैं और यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग पे, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको डिस्प्ले पे क्लिक कर देना है। डिस्प्ले पे आने के बाद आपके सामने एक सेटिंग ओपन हो जाएगी जो कि आपकी टैबलेट में ओपन नहीं हो रही होगी। यहाँ पे कैनोक्स मैनेज आपका जो होता है वो ओपन नहीं होता होगा, तो इसे आप कैसे ओपन करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। दोबारा से हम चलते हैं होम पे और फिर से हम आई बटन पे क्लिक करते हैं, सेटिंग पे क्लिक करते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक कर देते हैं। वाईफाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो सर्च है इसके ऊपर यहाँ पे ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है play.google.com। तो साथ ही यहाँ पे आपको टाइप करना है play.google.com। तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना है और ओपन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आप आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नो हार्मफुल ऐप फाउंड पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद स्कैन पे क्लिक करोगे, स्कैन पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको ऐड प्राइवेसी पे आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे कैनोक्स मैनेज, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चेंज सिस्टम सेटिंग, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ब्लू हो रहा है तो आपको इसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद वापस आप बैक आ जाओगे तो आपकी वो सेटिंग ओपन हो जाएगी बहुत ही आसानी से, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फोर स्टॉप की, तो आपको सर्च में करना है स्टूडेंट क्योस्क, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इसके ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना और मेमोरी में आ जाना है। मेमोरी में आने के बाद ऊपर थ्री डॉट पे करना और यहाँ पे फोर स्टॉप कर सकते हो। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से आपकी जो स्कूल में मिली टैबलेट है फ्री हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स सब कुछ चला सकते हो और आसानी से आप इसमें आल ऐप चला सकते हो। जो सेटिंग मैंने आपको बताई है वो आप सेटिंग करके देख लेना, अगर होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।